नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज आप लोग किस बात पर खुशी मना रहे हैं? साहब, हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, जहाँ आज एक महीना से वोट चल रहा था, आज उस वोट का इलेक्शन का नतीजा आया हुआ है, जिसमें हम लोग चोट में थे जेएमएम के साथ, और जेएमएम और कांग्रेस की जीत हुई है वहाँ पर। जीत किसकी हुई, जेएमएम का या कांग्रेस का? साथी, जब दोनों एक साथ लड़ाई की है तो गठबंधन का जीत हुआ है, महागठबंधन का जीत। तो ये जनता का जीत है, झारखंड की जनता का जीत है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसी के अवसर पे हम लोग ये जुलूस, आज का मैंडेट क्या बता रहा, कांग्रेस वापस आ रही, ये तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे, आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जो कांग्रेस वापस थी तो 6 सीट थी, आज कांग्रेस का कम से कम 14 से 16 सीट आए हुए। तो ये तो अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस आने वाले दिन में सरकार में, देश में फिर से वापस आएगी और जनता का जो बहुमत है वो भी जीतेगी। झारखंड में आप लोग जो जीत हासिल किया, आपको क्या लग रहा, क्या इशू जो काम किया आप लोगों ने? देखिए, वहाँ का विकास ठीक से नहीं हुआ है, जो लोग विकास विकास का मुद्दा कहते थे, और जो रघुवर दास जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो सरकार ठीक से 5 साल चला नहीं पाए हैं। और दूसरा, अभी जो ये NRC का मुद्दा है, ये CA का मुद्दा है, हमें लगता है इन सब के वजह से जनता ने BJP को ठुकरा दिया। लास्ट फेस में हम लोग को देखा ना, प्रियंका गांधी ने प्रचार किया, कितना लाभ मिला आप लोग को? उसका लाभ मिला है, आप देखिए ज़्यादातर सीटों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिसका फलस्वरूप आज 14-16 सीट हम लोग का है, जो 6 सीट से बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हुआ है, तो लाभदायक तो जरूर हुआ है। इसके लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो झारखंड के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने BJP को हटाया, इस तानाशाही सरकार को हटाया और जोट सरकार को राज्य में लाया। झारखंड में जो कांग्रेस और JMM की जो सरकार बना है, उसका उपलक्ष्य में हम लोग बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग आज जुलूस निकाले हैं। और इसका आज जो जीत हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, ये पूरा झारखंड के जनता को देते हैं। आज जो आप लोग का जीत मिला है, इससे क्या लग रहा, कांग्रेस में झारखंड में नई जान हम लोग को देखने को मिलेगा? यहाँ बहुत हम लोग लोगों ने देखा, जो आज जीत मिला है, इस जीत से कैसा खुशी, कैसा महसूस हो रहा आप लोगों को? ये खुशी हम लोग आने वाले दिन में 2020 में जो पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस का जो ऑपरेशन इलेक्शन होगा, उसकी तैयारी स्टार्ट होगी। BJP ने जो बिल लाया था, और आपको क्या लगता है, NRC उसका विरोध, इसको जनता ने नकार दिया है, और महंगाई की वजह से, और इस राहुल गांधी सोनिया गांधी आप लोगों को जो मैंडेट मिला, इसका क्रेडिट आप लोग किसको देंगे, इसका श्रेय किसको देंगे? BJP को ही देंगे। ये जो भात, ये जो नौकरी, ये जो ये सब सब खत्म कर दिया ना, ये सब खत्म करके तो पब्लिक कह के जुड़े चला गया, तो उसी को देना है। ऐसा जितना दिन वो लोग करते रहे, तो उतना दिन पूरा भारत ही खत्म हो जाएगा। खिलाइए गलत पॉलिसी में, एक साल में 5 स्टेट खो दिया, और वो चला था कांग्रेस को मुक्त करने के लिए। कांग्रेस वो तो ठीक है, हम लोगों ने देखा इलेक्शन में कांग्रेस आपका जाकर गठबंधन कर दी है, सीट का अच्छा शेयर किया, क्या लगता है इस बार कांग्रेस का रणनीति बहुत अच्छा था? हाँ, एकदम झारखंड में आज नहीं, बहुत दिन से हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो हमारा सोनिया जी का जीत, सोनिया जी का जीत है, सोरेन साहब के साथ में है, हम लोग एक साथ ही किए। प्रियंका गांधी प्रचार में कितना लाभ मिला आप लोग को? एकदम जहाँ प्रचार में गए थे वो जीता,
आने वाले दिनों में बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या हम लोग देखेंगे राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को? एकदम अब आने वाला राहुल राहुल जी तो आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे। झारखंड की जनता को क्या झारखंड की जनता बने उसके लिए हम लोग का बने क्या बोलते हैं उसको जो बने इतना खुशी है हम लोग झारखंड के जनता का ऊपर कि झारखंड का जनता को हम अभिनंदन देते हैं। आगे के लिए झारखंड आगे बढ़ेगा आने वाली तो परफेक्ट और एक एक ले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर आज के परिणाम इससे और उस परिणाम का खुशी में आज हम तमाम कांग्रेसी आवास और सब लीडर के तमाम कांग्रेसी मेरे साथ आरजेडी के लीडर स्टेट लीडर नंद बिहारी यादव जी भी हैं जो हमारा अलायंस का एक हिस्सा है। आज हम लोग ने इस खुशी का इजहार करते हुए पूरे शहर के अंदर में लोगों को लड्डू मिठाई और सबको शुभकामनाएं दिया और खासकर झारखंड के लोगों को थैंक यू बोला जिन्होंने मोदी और अमित शाह का जोड़ी एक चौकीदार और एक तड़ीपार ये जिस तरीके से देश को साढ़े पांच साल से जिस तरीके देश के अंदर में नफरत का दीवार पैदा किया है झाड़ के जनता को मैं धन्यवाद जाना चाहता हूँ कि उनका ये गलत पॉलिसी का वजह कर उन्होंने एक ऐसा परिणाम दिया है कि आज उनको मुंह का खाने गिरने पड़े। और आने वाला दिन जितने भी स्टेट में इलेक्शन होगा यकीन हम कांग्रेस की और यूपी सरकार की जीत होगी।